हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पगली एंड पगलू में। दोस्तों, भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से आज मेरा और पगली का शादी की पूरी एक साल पूरी हो गई है, और उसी के खुशी के संदर्भ में मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम एनिवर्सरी के रूप में मना रहे हैं। और सब दोस्तों को तो नहीं बुला पाए, तो जो पास के ही नज़दीक के जो हमारे दो चार फ्रेंड थे उनको हमने बुलाया है, और कोशिश की है। मतलब फर्स्ट है तो मतलब अच्छी तरीके से नहीं मना पाए हैं, लेकिन भगवान ने चाहा तो अगला नेक्स्ट टाइम मतलब अच्छा करेंगे। और आप सब लोगों का भी आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, और भोलेनाथ का भी आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे, ताकि हम हमेशा दोनों हंसते रहें, मुस्कराते रहें। ये साल तो हमारा लड़ते झगड़ते पूरा हो गया है, पता भी नहीं चला मजाक मजाक में कब एक साल शादी के लिए हो गया। और शादी भी एक सपना लगती है, ऐसा लगता है कि मतलब कब शादी हुई थी, कितने टाइम हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता। तो केक जिस जिसको खाना है कहीं क्या फटा रही यार, एकदम इतनी जल्दी, मतलब थोड़ा यार। और हमें अपना आशीर्वाद देते रहना। अगली बार वीडियो बन रही है, कुछ नया करने की, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था और कुछ मेरे पास समय कम था, फोटो छुट्टी नहीं मिल पाई। तो मैं ड्यूटी पर था और मेरी वाइफ रूम पे थी, तो उसने कैसा इंतजाम किया, वो उसने जैसे मैं उसके दिल को भी दाद देता हूँ कि बहुत हिम्मत है पगली ने, अकेले ही सब कुछ कर लिया। मैं आया तब तक मेरे को सब कुछ रेडी मिला, और आते ही मैंने बस केक काट दिया तैयार होने के बाद। इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी, एक हमारी फ्रेंड आई हुई थी, वो जैसे ही हमारे रूम पे आई, अचानक उनके जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया और उनको छोड़ना पड़ा वापस, तो वो हमारी इस पार्टी में आकर भी मतलब शामिल नहीं हो पाई। उसके लिए एक अजीब सा भी लगा कि मतलब यार, जो बंदा इतनी दूर से हमारे पास चल के आ रहा है, हमारी खुशी में शामिल होने, हमें आशीर्वाद देने, हमारे साथ कुछ पल बिताने, लेकिन उसके बावजूद वो रोता हुआ गया, तो बहुत बुरा लगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करो हमें।